गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है लिस्ट एम्प्लॉय फंक्शन। पिछले दो वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया था वो थी हमारी एट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी, जहां पर हमने एट एम्प्लॉय लेआउट को यूज करके साथ ही साथ पीएचपी माइसिकोलाई के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एम्प्लॉयज को क्रिएट किया और अपने डेटाबेस टेबल में सेव भी किया था। इस वीडियो सेशन में जो गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिस्ट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी, और इस फंक्शनैलिटी के दौरान हम अपने लिस्ट एम्प्लॉयज लेआउट में वैल्यूज को डिस्प्ले करने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास जो एक रो डिस्प्ले हो रही है यह है स्टैटिक वैल्यू। लेआउट क्रिएट करते वक्त हमने इसे मिस ऐड किया था, इस बार हम स्टैटिक वैल्यूज को रिमूव करके डायनेमिक वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। वापस से जाऊँगा एडिटर पे। सो ये है वो फाइल लिस्ट एम्प्लॉय डॉट पी एच पी जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे इस इंटरफेस के लिए। सो डायनेमिक वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए, अपने इस फाइल के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हमें इस फाइल को लोड करना होगा, दैट इज db-config.php। इस फाइल को लोड करते ही हमारे पास जो एक्सेस होगा वो होगा MySQLi ऑब्जेक्ट का, और इस ऑब्जेक्ट के पास एक पावरफुल कनेक्शन है एंड दैट इज ऑफ MySQL डेटाबेस। जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटाबेस के टेबल के साथ कम्युनिकेट करेंगे और अपने एम्प्लॉयज टेबल के सारे डेटा को हम गेट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस फाइल को अपने इस लिस्ट एम्प्लॉय टेम्पलेट पर लोड करेंगे। मैं जाऊंगा हैश टैग के अंदर और यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ पीएचपी कोड हम लोड करने वाले हैं यूजिंग इंक्लूड वंस current directory dot forward slash db-config.php। database हमने load कर लिया है। अब मैं एक query लिखने वाला हूँ, उस query के through हम सारे employees को get करने वाले हैं जो कि हमने table में save किया है। so SQL equals to select employees from employees table। so यहाँ एक basic query है आज जिस क्वेरी का फंक्शन है सारे डेटा को फैच करना एम्प्लॉयज टेबल से। अगर मैं इस क्वेरीज को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करूं अपने MySQL डेटाबेस में, मैं कॉपी करूंगा, डेटाबेस में जाऊंगा, मैं क्लिक करूंगा अपने इस SQL टैब के ऊपर या मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब और हम डायरेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक इंटरफेस है जहाँ पर हम अपने क्वेरीज को राइट करके हम क्लिक करेंगे गो बटन पे, इट विल एक्सिक्यूट और इसका जो आउटपुट होगा हम देख सकते हैं। सो इसी क्वेरी को हम अपने पीएचपी कॉन्सेप्ट के थ्रू यूज करके एग्जीक्यूट करेंगे। बैक टू एडिटर, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहीं पे एग्जीक्यूट करता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू MySQLi ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का एक्सेस तभी अवेलेबल होगा वंस दिस फाइल विल लोडेड। जैसे ये फाइल लोड होता है अब हम यूज करने वाले हैं क्वेरी मेथड और लुक एट इंटेलिजेंस कि हमें इसके अंदर क्वेरी वेरिएबल पास करना है। सो SQL और अगर मैं प्रिंट आर करूं, देखते हैं इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या कुछ है। मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा। सो यहां पर हमारे पास एक MySQLi रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, दैट इज करंट फील्ड, फील्ड काउंट मींस टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स हमारे टेबल में अवेलेबल है इक्वल्स टू 5, 5 कॉलम्स है मींस 5 फील्ड्स, और नम रोज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब कि जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो है 3। सो हम इस नंबर ऑफ रोज को यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डेटा एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है इट मींस कोई डेटा नहीं है, हमें कोई भी लूप कंडीशंस यूज नहीं करने हैं। लेकिन अगर नम रोज की वैल्यूज अगर ग्रेटर देन 0 हुई इट मींस वी हैव सम वैल्यू, और उन वैल्यूज के ऊपर हम आइट्रेट करके अपने सारे रोज को हम अपने इंटरफेस में प्रिंट करेंगे। सो मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे, सबसे पहले इस नम रोज को यूज करके हम एक इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं। इसको मैं रिमूव करूंगा। सो यहां पर रिजल्ट, मैं जाऊंगा अपने इस लिस्ट में टी बॉडी के अंदर, हम देख सकते हैं हमारे पास एक स्टैटिक रो अवेलेबल है। सो इफ रिजल्ट जो कि एक MySQLi रिजल्ट ऑब्जेक्ट है,
इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है दैट इज num underscore rows. सो रिजल्ट एरो ऑपरेटर num underscore rows अगर ये ग्रेटर देन जीरो है इट मीन्स वी हैव सम वैल्यू. अब अगर हमारे पास वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को कैसे गेट करें. बेसिकली वैल्यूज को गेट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं. अगर मैं बात करूँ मेथड नंबर वन सो प्रिंट आर रिजल्ट जो कि एक MySQL है रिजल्ट ऑब्जेक्ट है हम यूज करने वाले हैं अपने मेथड कॉल्ड फेच ऑल. इस मेथड को यूज करते ही हमारे पास जितने भी रोज अवेलेबल है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे. मैं अगर सेव करूं ब्राउजर पे जाऊं रिलोड करूं सो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी डेटा अवेलेबल है. इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट करूंगा यूजिंग इको पीआरई टैग. सेव करूंगा ब्राउजर पे जाऊंगा रिलोड दिस पेज तो हम देख सकते हैं हमारे पास जीरो इंडेक्स में हमारा पहला रिकॉर्ड है फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास सेकंड रो है एंड थर्ड इंडेक्स मीन्स इंडेक्स नंबर टू हमारे पास थर्ड रो अवेलेबल है. सो ये है गाइज वो मैथड दैट इज फैच ऑल जिसको यूज करके हम सारे रो को फैच कर सकते हैं. साथ ही साथ हमारे पास एक और मैथड अवेलेबल है दैट इज फैच रो. ये मेथड क्या करती है कि रो बाय रो हमारे सारे वैल्यूज को गेट करती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला रो है दैट इज जीरो इंडेक्स सो वो जीरो इंडेक्स को पिक करेगी. अगर मैं सेव कर दूं रिलोड करूं हम देख सकते हैं हमारे पास एक ही रो अवेलेबल है. सो अगर हम इस मेथड इस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं सो हमें व्हाइल लूप यूज करना होगा. अदरवाइज अगर हम फेच ऑल यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर ईच मैथड. सो मैं जाऊंगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर फेच ऑल मैथड को यूज करने वाले हैं और हम यूज करेंगे फॉर ईच मैथड को मीन्स फॉर ईच पी एच पी फंक्शन को और फॉर ईच पी एच पी फंक्शन और फेच ऑल मैथड. सो चलिए हम इसे रिमूव करते हैं. हम यूज करने वाले हैं अपने फॉर ईच मैथड को रिजल्ट जो कि MySQLi रिजल्ट ऑब्जेक्ट है हम यूज करेंगे फेच ऑल एज एम्प्लॉय और हम इसके अंदर इन सारे tr को अगर मैं कट कर दूं इस कंप्लीट tr का जो फुल फॉर्म है वो होता है टेबल रो और td का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेबल डेटा. thead का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है thader मीन्स टेबल हैडर. टी बॉडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेबल बॉडी. सो टेबल के अंदर जितनी भी डेटा को हम जो डिस्प्ले करते हैं वो आते हैं हमारे टेबल बॉडी के कंटेंट के अंदर. सो यहाँ पर फेच ऑल हमने सारे डेटा को गेट कर लिया. अब रो बाय रो हम रीड करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट. सो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ फिर एक बार प्रिंट आर हम ये चेक करने वाले हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज अवेलेबल होंगे वो एरे फॉर्मेट में होंगे कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में. सो हम यहाँ देख सकते हैं इट इज़ अवेलेबल इन एरे. हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट. अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो हमें यूज़ करना होता एरो ऑपरेटर. सो यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू है हम इसे डायनेमिक करने वाले हैं पी एच पी ईको एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के अंदर अगर मैं इसे कंट्रोल यू करके सोर्स कोड ओपन करूं, राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स मीन्स कंट्रोल यू यहां पर अगर स्क्रॉल करूं हम देख सकते हैं जीरो इंडेक्स पे हमारा पहला एम्प्लॉय है. सो अगर आईडी वैल्यू रीड करना हो हमें जीरो इंडेक्स को रीड करना होगा. सो एम्प्लॉय एंड जीरो. उसी तरीके से अगर मैं इस टीडी को कॉपी कर लूं या इस PHP कोड को कॉपी कर लूँ हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे. अब अगर एम्प्लॉय के नेम को रीड करना हो हमें फर्स्ट इंडेक्स को रीड करना होगा. सो इंडेक्स नंबर वन इसी तरीके से इंडेक्स नंबर टू इंडेक्स नंबर थ्री फोर. अगर मैं सेव कर दूँ ब्राउजर पे जाऊँ रिलोड करूँ हम देख सकते हैं हमारे पास डायनेमिक वैल्यूज हैं. ये वही डायनेमिक एम्प्लॉयज हैं जो कि हमने क्रिएट किया था अपने एट एम्प्लॉय फॉर्म के थ्रू. सो यहाँ पर हमारे पास
तीनों इम्प्लॉयज़ की एंट्री हो चुकी है हमारे इस लिस्ट इम्प्लॉयज़ टेबल में, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं डेजिग्नेशन में ये कुछ अटपटा सा वैल्यू आ रहा है, दैट इज़ वेब हाइफन डेवलपर, जबकि एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, वेब का डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, हाइफन के बजाय स्पेस होना चाहिए और डेवलपर में डी कैपिटल होना चाहिए। सो हम इसे कैसे फॉर्मेट करेंगे, हम जाएंगे अपने एडिटर में और यहाँ पर जो वैल्यूज है एम्प्लॉय फोर्थ इंडेक्स पे इंडेक्स फोर देखूँ मैं, इंडेक्स फोर वेब डिजाइनर वेब डेवलपर, हम इसे फॉर्मेट करने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे पीएचपी के फंक्शन को, दैट इज यूसी वर्ड्स। यूसी वर्ड्स को यूज़ करने के बाद जितने भी वर्ड्स हमारे होंगे उनके सभी कैपिटल लेटर मीन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यूसी वर्ड्स, इसका मतलब हमारे पास अगर दो वर्ड्स हैं दैट्स जैसे कि वेब डेवलपर, सो वेब का डब्ल्यू कैपिटल होगा और डेवलपर का डी कैपिटल होगा। सो यहाँ पर हम पास करने वाले हैं इंडेक्स एम्प्लॉय, अगर मैं सेव कर दूँ रिलोड करूँ हम देख सकते हैं वेब डेवलपर वेब डिज़ाइनर, बट हमारे पास इसके वजह से ये कैपिटल नहीं हुआ, हमें इसे रिप्लेस करना होगा। हम यूज़ करने वाले हैं एक और फंक्शन str replace, ये एक php फंक्शन है, लुक एट इंटेलिजेंस, हमें क्या सर्च करना है, हमें अपने स्ट्रिंग में हाइफन सर्च करना है, किससे रिप्लेस करना है, स्पेस से रिप्लेस करना है और कौन सी स्ट्रिंग होगी, ये हमारी एम्प्लॉय फोर्थ इंडेक्स वाली होगी। मैं सेव करूँगा, ब्राउजर पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा, अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट है डेजिग्नेशन का, वेब डेवलपर वेब डिज़ाइनर एंड वेब डेवलपर। साथ ही साथ हमारे पास जो दो एक्शन बटन्स अवेलेबल हैं दैट इज एडिट एंड डिलीट, यहाँ पर हमें डायनेमिक वैल्यू पास करने हैं ताकि उन वैल्यूज के बिहाफ पे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में एडिट और डिलीट ऑपरेशंस पे भी काम कर सके। सो ये हमारा एम्प्लॉय आईडी जो कि जीरो इंडेक्स पे हम गेट कर रहे हैं, मैं इसे कॉपी करूँगा और हम यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू की जगह हम इसे पुट करने वाले हैं, मैं पुट कर दूँगा, सेव कर दूंगा, रिलोड करूंगा, ऑल ओके। एक बार इंस्पेक्ट करके हम देख लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी 1, सेकंड रो एम्प्लॉय आईडी 2 एंड एम्प्लॉय आईडी 3। सो ये है गाइस लिस्ट एम्प्लॉयज की फंक्शनैलिटी, जहां पर जितने भी एम्प्लॉयज हमने क्रिएट किए हैं वो हमने लिस्ट आउट कर दिए हैं। एक और ट्रिक जो मैं बताना चाहता हूं, ये हमने जो यहाँ पर लिखा है वो है कंप्लीट पीएचपी सिंटैक्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा फास्ट तरीके से चलना चाहते हैं पीएचपी के सिंटैक्सेस अकॉर्डिंग, तो हम पीएचपी का शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बिना इको लिखे अगर हमें प्रिंट करना हो, सो हम क्या करेंगे, पीएचपी और इको दोनों को रिमूव करेंगे और हम यूज़ करने वाले हैं इक्वल टू साइन, साथ ही साथ हम सेमी कॉलन को भी रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं सेव कर दूं, रिलोड करूं, हम देख सकते हैं हमारे पास एग्जैक्ट वही आउटपुट है, बट इस बार हमने जो यूज़ किया है अपने पहले लाइन के लिए, पहले टीडी के लिए, वो है शॉर्ट हैंड पीएचपी ऑपरेटर, इसे हम शॉर्ट हैंड पीएचपी सिंटैक्स भी कह सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं जाऊँ लेट्स क्रिएट एन एम्प्लॉय, मैं एक एम्प्लॉय फटाफट क्रिएट करता हूं, एक डमी फोन नंबर फिल करने वाले हैं, सेलेक्ट ऑप्शन SEO, सबमिट बटन, एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है, साथ ही साथ उसकी लिस्टिंग भी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एडिट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी के ऊपर कि अगर हमने एडिट बटन पे क्लिक किया, फिलहाल अगर मैं अभी क्लिक करूं एम्प्लॉय आईडी 1, बट ये स्टैटिक वैल्यू है, लिस्ट एम्प्लॉयज फोर्थ नंबर एडिट एम्प्लॉय आईडी 4, बट यहाँ पर जो हमारे पास स्टैटिक वैल्यू है, अब हम क्या करने वाले हैं अपने अपडेट एम्प्लॉय या एडिट एम्प्लॉय के क्लास में, सिंपल इस एम्प्लॉय आईडी को सबसे पहले गेट करना है, गेट करने के बाद MySQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करके हम एग्जिस्टिंग वैल्यू को फैच करेंगे और उसे हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे, ताकि अगर उन वैल्यूज में अगर हम अपडेट करना चाहें अपडेट करके डायरेक्टली हम सेव कर पाएँ। सो ये सभी हम बातें करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।